यूपी पुलिस लेखपाल 2022 फटाफट क्लास जीके की अमृत क्लास और टॉप 75 प्रश्न। जी हाँ, इसमें हम 75 प्रश्न को फटाफट कवर करने वाले हैं, इसीलिए इस क्लास का नेम दिया गया है फटाफट क्लास। और ये जीके की मानकर चलो अमृत क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए गए हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे भाई इतनी भी देर मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और उम्र निकल जाए, पूरी जान लगा देना इस बार। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आप सभी को बता दें कि ये हमारी फटाफट क्लास है, तो आप सभी को फटाफट आंसर भी देना है ताकि हम कम समय में पूरे क्वेश्चन को कवर कर सकें। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि अफगानिस्तान देश की जो राजधानी है वह कौन सी है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अफगानिस्तान देश की राजधानी कौन सी है, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काबुल। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि इराक की राजधानी जो है वो क्या है। इसका आंसर जल्दी जल्दी दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इराक की राजधानी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बगदाद। सही आंसर हो जाएगा बगदाद। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असंभव काम कर दिखाना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट जो मैदान है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, जो मोटेरा स्टेडियम है ये है कहाँ पर, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना ये है गुजरात के अहमदाबाद में, और उसका नेम बदल कर रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था। जल्दी जल्दी आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे मेरे भाई, ये फटाफट सीरीज है तो आपको फटाफट आंसर भी देना है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। तो देखो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रतीक चिन्ह या फिर जिन्हें आप कहते हैं लोगो, इसमें कौन सा पेड़ बना हुआ है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि RBI की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना मेरे भाई RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका प्रतीक चिन्ह लोगों में कौन सा पेड़ लगा हुआ है, वो है ताड़ का पेड़ यानी पाम का पेड़। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। इसका जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है यानी कि बुध ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा, या फिर जिन्हें आप कहते हो मरकरी प्लैनेट्स। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड को। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि IP का पूरा नाम या फिर IP का पूर्ण रूप या फिर IP का फुल फॉर्म क्या है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन ताकि हम कम समय में पूरे क्वेश्चन को कवर कर सकें। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। IP का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं क्लास को लाइक जरूर कर देंगे मेरे मित्र, कहने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। देखो हमारे देश भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, वो है हॉकी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि भारत में शिक्षक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में शिक्षक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सितंबर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शतरंज खेल के बोर्ड में कुल कितने खाने या फिर
वर्ग होते हैं। जो शतरंज का खेल होता है उसके बोर्ड में, जो गाइस शतरंज का बोर्ड होता है उसमें कुल कितने खाने या फिर वर्ग होते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64, यानी कि कुल मिलाकर के 64 खाने या फिर वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक हो जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माथा ठनकने का अर्थ है शक हो जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन से रंग को शांति का प्रतीक माना गया है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन से रंग को शांति का प्रतीक माना गया है, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सफेद रंग को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की बचपन का नाम क्या था, इसका आंसर आप दीजिए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध की बचपन का नाम क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ। सही आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। हम सोचते हैं गाइस जी आपकी फटाफट क्लास है तो इसको हम कम समय में पूरे क्वेश्चन को कवर कर लें। तो देखो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रगीत क्या है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रगीत है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार या फिर जो मिलिट्री अवार्ड है ये कौन सा है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार या फिर मिलिट्री अवार्ड कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमवीर चक्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परमवीर चक्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार या फिर जिन्हें आप मिलिट्री अवार्ड कहते हो, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन है गूगल या हूविंग या फिर इंस्टाग्राम। देखो इसमें सर्च इंजन नहीं है वह कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इंस्टाग्राम जो है ये कोई सर्च इंजन नहीं है। मेरे मित्र अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर लेना अरविंद जायसवाल 000, अरविंद जायसवाल 000 आप गाइस सर्च करना इंस्टाग्राम पर, आपको हमारी आईडी मिल जाएगी। आप वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हैं, कहीं कुछ भी समस्या है तो आप वहाँ पर भी गाइस मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उस पर तुरंत आपको जवाब मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि जो यहाँ पर केरल है इसको मसालों का बगीचा कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। विश्व का सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश, सऊदी अरब, भारत या फिर कोई अन्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। जिसने क्लास को शेयर नहीं किया है एक बार क्लास को दिल की गहराई से शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक भी कर देंगे। विश्व की सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत जो है ये सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। सुबह का तारा कहा जाए, सांस का तारा कहा जाए, भोर का तारा कहा जाए या फिर सबसे चमकीला तारा कहा जाए। मेरे भैया याद रखना, अगर चमकदार तारा कहा जाएगा या फिर कहा जाएगा सुबह का तारा, भोर का तारा, सांस का तारा, ये सारे के सारे शुक्र ग्रह को कहा जाते हैं, वीनस प्लैनेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत जो है ये क्या है।
जल, अंकुरित दालें, प्रातः की धूप या फिर हरी सब्जियां। फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है वो है प्रातः की धूप। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस हम भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। उधर हमने 25 क्वेश्चन को कवर किया है और इधर हम 50 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, मतलब हम टोटल 75 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। देखो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीकेटियस को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है तो इतिहास का जनक माना जाएगा हेरोडोटस को, सही आंसर होगा हेरोडोटस को, और भूगोल का जनक तो हीकेटियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान भूगोल का जनक माना जाता है या फिर वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। जब केवल और केवल आपसे कहा जाएगा भूगोल के जनक कौन है तब आप कहेंगे हीकेटियस, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है कि वर्तमान भूगोल के जनक कौन है तब आप कहेंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह विश्व में किस स्थान पर आता है। फटाफट आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया हमें लाइक जरूर कर देंगे भाई। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सातवां, सही आंसर हो जाएगा सातवां है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.42%, 2.42% जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है ये कितनी है, आपसे पूछा जा रहा है जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी रेखा भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। फटाफट आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी रेखा भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल सही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक समय रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका आंसर आप सभी को बताना है, मानक समय रेखा जो है ये भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 राज्यों से, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी फटाफट क्लास है तो हमें फटाफट कवर करनी है हर एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद 75 में आपके स्कोर कितने रहे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की भूमध्य रेखा की जो भारत की भूमध्य रेखा से दूरी जो है कुल कितनी है। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कुल कितनी है, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर है टोटल दूरी, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा से लगती है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है आपका क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा कुल 5 राज्यों से मिलती है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि म्यांमार की सीमा कुल कितने भारतीय राज्यों से लगती है।
जो म्यांमार की सीमा है कुल कितने भारतीय राज्यों से लगती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो भी मेरे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि जो म्यांमार की सीमा है ये कुल चार राज्यों से होकर लगती है, चार राज्यों से मिलकर लगती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा जो है ये लगती है, भारत के कुल कितने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कुल पांच राज्यों से, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा की सबसे अधिक लंबाई है, इसका आंसर आप देंगे भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। मेरे भाई ये राज्य लिखा थोड़ी टाइप मिस्टेक है, इसके लिए माफ कर देना। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मेरे प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, गुजरात बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप कहेंगे राजस्थान। वहीं अगर आपसे सबसे छोटा कहा जाता है तो याद रखना गोवा जो है सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों से समुद्र की सीमा लगती है, भारत के कुल कितने राज्यों से समुद्र की सीमा लगती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा कुल मिलाकर के नौ राज्यों से, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अभी मैंने आप सभी को बताया, फटाफट आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया वे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे मेरे भाई। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो डूरंड रेखा है ये भारत और किस देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सही आंसर हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम डूरंड से कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि दक्षिण भारत के किस क्षेत्र से होकर पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिवेंद्रम से, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक खनिज का उत्पादन होता है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक खनिज का उत्पादन होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए जी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस याद रखना जो झारखंड राज्य है इसमें सबसे अधिक खनिज होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है आपसे पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई दाल का, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारत विश्व के लगभग एक चौथाई डैश के विक्षेप के लिए जाना जाता है, किसके विक्षेप के लिए भारत जो है विश्व में लगभग एक चौथाई के रूप में जाना जाता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवरक के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र जो है यह कौन सा है, फटाफट आंसर देंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। देखो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर जो है ये गाइस तमिलनाडु में है और ये होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने कि छत्तीसगढ़ राज्य का बैलाडीला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, फटाफट आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, 50 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं, 25 और बचे हैं। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क के लिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य एंटी मनी का मुख्य उत्पादक है, क्लास खत्म होने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हमारी जो बेहतरीन क्लास है फटाफट सीरीज है ये आपको सभी को कैसी लग रही है और आपके स्कोर कितने रहे ये भी जरूर बताना। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दो मेरे भाई। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। देखो एंटी मनी राज्य का मुख्य उत्पादक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है किस राज्य में पाया जाता है, भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है किस राज्य में पाया जाता है,
सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला की भारत का कौन सा राज्य, यहाँ पर राज्य लिखा थोड़ी टाइप मिस्टेक है, माफ करना, भारत का कौन सा राज्य ताम्र का वृहत उत्पादक है, ताम्र यानी कि तांबे का सबसे अधिक उत्पादन जो है भारत के किस राज्य में होता है। फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में मैंगनीज का उत्पादन होता है, मैंगनीज का उत्पादन जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंगनीज का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत में सबसे अधिक आयात होता है, आयात आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, याद रखना भारत में किस खनिज का सबसे अधिक आयात होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर या फिर जिन्हें आप कहते हो गंधक, सल्फर या फिर गंधक का गाय सबसे अधिक आयात जो है भारत में होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूध के उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वह कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो पशु उत्पादन में गाय से पशु के पालन में सबसे पहला आए तो दूध उत्पादन में भी तो पहला ही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में सबसे अधिक अवरक का उत्पादन जो है ये किस राज्य में होता है, फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन का भारत का कौन सा राज्य, यानी कि पवन ऊर्जा में विद्युत के उत्पादन में जो गाइस सबसे अग्रणी राज्य है वह कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि किस राज्य को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, किस राज्य को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, फटाफट आंसर दे देंगे सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारत से निर्यात होने वाली सबसे प्रमुख समुद्री उत्पाद जो है या कौन सी है, भारत से निर्यात होने वाली सबसे प्रमुख समुद्री उत्पाद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका झींगी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झींगी जो गाइस मछलियां होती हैं बरसात के मौसम में झींगी मछलियां ज़्यादा होती हैं मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि विश्व का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर जो है भारत के किस राज्य में पाया जाता है, इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर जो है ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया मैं क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा मेरे भाई, क्लास को लाइक जरूर कर देना, अगर आपका कुछ जाता तो मैं खुद नहीं कहता कि आप क्लास को लाइक कर दूं, कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं गाइस कि आपका जो 20 क्वेश्चन है वो मैं एक घंटे यानी कि 60 मिनट में करवाऊँ, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ मेरे भाई, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कम समय में पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएँ, क्योंकि ये आपके फटाफट सीरीज है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोत्तम संगमरमर जो है मेरे भाई ये मकराना में पाया जाता है, सही आंसर होगा मकराना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक महिला सक्रिय हैं, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय हैं, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाय उद्योग में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाय उद्योग में। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है वह कौन सा है, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जो शहर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहाज निर्माण के लिए, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत की जो जलवायु है कैसी है, जो भी पहले भाई बहन बता रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसके आंसर को गाइज आप सही कर लेना, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा उष्णकटिबंधीय, इसको आप करेक्ट कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाजार में सब मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जाकर के देख लेना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला आपके सामने है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है,
भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून जो है सबसे पहले आता है, आपसे पूछा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है मैंने तेज क्लास पढ़ाई तो आप क्लास की जो स्पीड है वो स्लो कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट क्लास है तो मैं फटाफट कवर करवाऊंगा ही। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पश्चिमी घाट क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य में भटकल बंदरगाह स्थित है? भटकल बंदरगाह जो है ये भारत के किस राज्य में है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि भारतीय जलवायु को कौन प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, भारतीय भूमि की जो भू आकृति है, विषुवत रेखा की जो समीक्षा है और हिमालय जो है, गाइस ये तीनों के तीनों भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है? मेरे भाई याद रखना, कौन सा दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है? रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा जो है ये भारत के किस राज्य में है? लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा और नीति दर्रा जो है भारत के किस राज्य में, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र बता रहे हैं, उत्तराखंड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि बोमडिला दर्रा, यांग्याम्प दर्रा, दीफू दर्रा और पांगसाउ दर्रा जो है ये कहाँ पर है? लगभग सभी जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दे दीजिए। जो बोमडिला दर्रा है, यांग्याम्प दर्रा है, दीफू दर्रा है, पांगसाउ दर्रा है, ये कहाँ पर? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा दर्रा भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तूजू दर्रा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पर 75 क्वेश्चन को कवर कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन आपका ये हो गया, इसके पहले मैंने 25 क्वेश्चन को कवर कर लिया जो सिंपल क्वेश्चन थे, तो मैंने 75 क्वेश्चन को गाइस यहाँ पर कवर कर लिया है मात्र 28 मिनट में। गाइस, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर के इसकी पीडीएफ को पा सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो कृपया क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको ये जो फटाफट सीरीज चलाई है मैंने, ये आपको अच्छी लग रही है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।